हेलो बच्चों, मैं रवि प्रभात और ये है आपका चैनल फिजिक्स जज्बा। आज फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में आ चुके हैं। आप तो जान ही रहे हैं कि हम लोग वीडियो स्टार्ट किए हैं, इसका मकसद है कि जो कमिंग 12th बोर्ड एग्जाम आने वाला है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना। तो आज जो हम लोग कंसेप्ट लेके आ रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज कहीं से इंटर करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर कितना अमाउंट में फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप टॉपिक देख के समझ ही चुके होंगे कि हम लोग को इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है चार्ज पार्टिकल के ऊपर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड समझेंगे क्या होता है। एक ऐसा रीजन जहां पे हर पॉइंट पे फील्ड मौजूद है और वो फील्ड का इंटेंसिटी हर पॉइंट पे एक समान इंटेंसिटी है, तो उसको आप कहते हैं कि उस रीजन में फील्ड यूनिफॉर्म है। तो उसको इंडिकेट करने का तरीका है जो हम लोग इंडिकेट करते हैं उसको, तो देखिए इस तरह से हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट कर सकते हैं। दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म नेचर का फील्ड है, ऊपर में भी लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म इंडिकेट करने का तरीका है, हर जगह गैप सेम लेंगे, आपस में पैरेलल फील्ड लेंगे, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बाहरी चार्ज कहीं से इंटर कर गया, सपोज मान लीजिए कि ये प्लस क्यू चार्ज कहीं से इंटर कर गया, उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये फील्ड उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा। जैसे अभी हम लोग अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो अर्थ का फील्ड के अंदर जब तक हम लोग रहेंगे तो अर्थ अपने फील्ड से हम लोग के ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है हम लोग को। उसी तरह किसी बाहरी फील्ड में अगर कोई चार्ज कहीं से इंटर करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, और उस फोर्स का वैल्यू क्या होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी एक डिस्कशन कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। एक कूलम पे लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है। तो सपोज ये चार्ज अभी यहां है और इस पॉइंट का इंटेंसिटी हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे ई है, दैट मींस कि इस पॉइंट पे एक कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, ई लगेगा। ई मतलब एक कूलम पे लगने वाला फोर्स। तो अगर इस प्लेस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाए और उस प्लेस का इंटेंसिटी आप जान रहे हैं कि कैपिटल ई है, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे आपको पता है कि एक केजी एप्पल का दाम 100 रुपया है, अगर आपको 5 किलो लेना पड़े तो आप क्या करेंगे। तो 1 किलो का दाम पता है, अगर 5 किलो लेना है आपको तो 5 से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका रेट पता चल जाएगा कि 500 रुपीज हमको उसमें खर्च आएगा 5 kg एप्पल खरीदने में। सेम वही बात यहाँ पे है, जब हमको इस पॉइंट का इंटेंसिटी कैपिटल ई पता है कि एक कूलम पे लगने वाले फोर्स का अमाउंट ई है, तो प्लस क्यू पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो सिंपल आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है तो F इक्वल टू फॉर्मूला लगा सकते हैं क्यू नॉट इनटू ई। तो हमेशा आज आप हमेशा के लिए ध्यान में रखेंगे F इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू इनटू ई, बस क्यू को ई से मल्टीप्लाई कर देना है। एक कूलम पे लगने वाले फोर्स को क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका फोर्स का वैल्यू आ जाएगा। तो F इक्वल टू क्यू ई, इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात इसका है, इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में समझेंगे। वेक्टर फॉर्म में आप F के ऊपर एरो दीजिए, यहां Q लिखिए, यहां E के ऊपर एरो दीजिए, तो इधर भी एरो इधर भी एरो। अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो यहां का साइन आपको प्लस लेना है, अगर नेगेटिव नेचर का है तो यहां पे फिर साइन आपको लिखना है माइनस क्यू ई। अब प्लस और माइनस का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो आपको यहां प्लस इंडिकेट करना होगा अगर प्लस क्यू चार्ज है, माइनस इंडिकेट करना होगा अगर नेगेटिव चार्ज है। तो अब प्लस और माइनस का मतलब होता है यहां डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो प्लस साइन बताता है कि जिधर फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज पे जिस तरह उस पॉइंट पे जिधर फील्ड का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अभी फील्ड किधर है, इस पॉइंट पे, तो पॉजिटिव एक्स के तरफ,
मान लीजिए उस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स, तो फोर्स भी इस चार्ज पे लगेगा पॉजिटिव एक्स की तरफ। अगर मान लीजिए आप यहां पे नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो फोर्स लगेगा नेगेटिव साइन, ये बताता है कि फोर्स जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। तो आप ध्यान रखेंगे एफ वन का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा और एफ टू का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो जाएगा। तो कभी भी आज से एक कंक्लूजन कि फोर्स on positive charge in uniform electric field along the direction of field and force on negative charge in uniform external electric field opposite to the direction of फील्ड। अगर अभी फील्ड पॉजिटिव एक्स में है तो फोर्स का डायरेक्शन निगेटिव एक्स के तरफ होगा। ये चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो आप ध्यान रखेंगे पॉजिटिव साइन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो नेगेटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स अपोजिट लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलकर सामने आता है। तो इस पे एक क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग बनाएंगे बस इसी टॉपिक पे, और कहीं भी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, ओनली अगर मैग्नीट्यूड से मतलब है तो मैग्नीट्यूड के लिए आप सीधे फॉर्मूला F इक्वल टू क्यू ई लगाएंगे, ना ऊपर वेक्टर देंगे, ना एरो का साइन देंगे, ना साइन लेंगे यहाँ पे, क्योंकि साइन तभी लेते हैं जब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो साइन डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए आ जाता है, लेकिन जब आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव में नहीं होता है, उसमें बस चार्ज का वैल्यू रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है, और उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो रखना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हमारा फोर्स आ जाएगा। तो इसके ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट ए पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 4×10⁴ न्यूटन पर कूलम अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हुआ है वो इलेक्ट्रॉन किसी फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ में वो फील्ड जा रहा है, और उस फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन होता तो प्लस ही लेते, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होगा, और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, चूंकि ये फील्ड जो है मतलब फील्ड एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है और अब यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है इसके बारे में कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन ये पता है कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 4×10⁴ न्यूटन पर कूलम है। तो उस बेसिस पे फोर्स का क्या वैल्यू होगा, तो एफ का जो वैल्यू होता है ना वो क्यू ई होता है। क्यू कितना है 1.6×10⁹, और ये कितना है 4×10⁴। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आप जान रहे हैं, Q का वैल्यू E स्मॉल e जिसका वैल्यू 1.6×10⁻¹, और इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना है। जैसे आप इस डाटा को पुट करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 6.5×10⁻¹⁵ न्यूटन। इस तरह से हमारा ये फोर्स आ गया, और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा ये देखना है। तो चूंकि नेगेटिव चार्ज है और फील्ड पॉजिटिव, उस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस बात है कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। वो किस डायरेक्शन में लगेगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है उस पॉइंट पे जिधर फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसलिए आप जब डायरेक्शन लिखेंगे तो अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखेंगे। तो इस कंसेप्ट से आपका कुछ क्लियर हुआ होगा कि फील्ड में फोर्स कैसे लगता है। अगर यहां पे प्रोटॉन होता, अभी जैसे इलेक्ट्रॉन था, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप जान रहे हैं कि नेगेटिव, और अगर इसी प्लेस पे सपोज यहां पे प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन का चार्ज आप जान रहे हैं कि प्लस ही होता है, और चूंकि फील्ड पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग जा रहा है तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स नेगेटिव एक्स के, ये सॉरी फोर्स पॉजिटिव एक्स के तरफ ही लगेगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, फिर जिधर फील्ड उधर ही फोर्स लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। तो इस तरह से हम लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैग्नीट्यूड तो अभी वही हो जाएगा, जितना यहाँ है वैल्यू उतना ही वैल्यू वहाँ आएगा, क्योंकि प्रोटोन के ऊपर भी चार्ज 1.6×10⁻¹ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी आप जान रहे हैं, दोनों को जैसे करेंगे रिजल्ट आएगा। तो इसके बाद अब हम लोग यहां से अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 6.68×10⁹ न्यूटन
पर कूलम्ब, तो पता करना है उसका एक्सेलरेशन। एक प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी जहाँ भी चर्चा कर रहे हैं आप समझेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं 6.68 × 10⁻¹ कूलम, इसका जो मैग्नीट्यूड है 6.68 × 10⁻¹ न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इस पूरे रीजन में है। उस रीजन में एक प्रोटॉन है, यहाँ पे प्रोटॉन कहीं से आया, एक प्रोटॉन को लाके हम यहाँ पे रख दिए। तो प्रोटॉन पे आप जानते हैं कितना चार्ज होता है, प्लस ई। तो जैसे वो चार्ज इंटर करेगा इस फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उस पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा, तो उस पॉइंट पे फील्ड अगर इस तरफ है तो फोर्स भी इस तरफ ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये कैसा नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। पॉजिटिव नेचर के चार्ज में जिधर फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले आप फोर्स निकालेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू इंटू ई। क्यू कितना है, 1.6 × 10⁻¹, आप जानते हैं ई होगा, ई का वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ होता है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 6.68 × 10⁻¹। इस तरह से इतना न्यूटन आपका फोर्स आ जाएगा, कितना फोर्स लगा। नाउ एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रोटॉन कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, उसका एक्सेलरेशन पता करना है, ए इक्वल टू व्हाट। तो ए एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स बाय मास होता है, एफ बाय एम। एफ आप देख रहे हैं यहां से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, एफ आपको पता है 6.68 × 10⁻¹, इतना तक हम लोग आ चुके हैं। अब आपको क्या चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg, आप इसको लिख सकते हैं 1.67 × 10⁻²⁷ −27 kg। तो ये डाटा, जैसे यहाँ पे यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये सॉल्व करके एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा 6.4 × 10⁻¹⁷ m/s². इस तरह से आराम से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। एक्सेलरेट किधर होगा, प्रोटोन जिधर ए फील्ड है, अगर अभी सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग फील्ड है तो एक्सेलरेट भी उसी तरफ में होगा, ठीक है। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। इसका अगला क्वेश्चन बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सेलेक्ट किए हैं, अंतिम तक सारे क्वेश्चंस को देखिए, एक क्वेश्चन श्योर आना ही आना है इस टॉपिक से, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, ये इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इफ दे आर प्लेस्ड इन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन है कि अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक ही यूनिफॉर्म फील्ड में एक प्रोटॉन को रख दिया जाए या एक न्यूट्रॉन को रख दिया जाए, तो दोनों पे सबसे पहले आपको फोर्स का रेशियो फाइंड करना है, उसके बाद दोनों के एक्सेलरेशन का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग इस चीज फील्ड में प्रोटॉन को भी रखा गया है, ये प्रोटॉन है और एक ड्यूट्रॉन को रखा गया है, दोनों ड्यूट्रॉन को रखा गया है, दोनों के ऊपर फोर्स का रेशियो फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले इस पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे ध्यान रखेंगे प्लस ही, और ड्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है वो भी आप ध्यान रखेंगे प्लस ही। दोनों पे सेम चार्ज है, दोनों सेम फील्ड में रखा हुआ है, ई का वैल्यू सेम है, दोनों पे चार्ज का वैल्यू सेम है, तो लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेम होगा। फोर्स ऑन प्रोटॉन और फोर्स ऑन ड्यूट्रॉन निकाल के देखिए, फोर्स ऑन प्रोटॉन हमारा क्या होगा, क्यूपी इंटू ई, फोर्स ऑन ड्यूट्रॉन क्या होगा, क्यूडी इंटू ई। तो उस आधार पे क्या होगा, ये ई हो जाएगा और ये भी ई हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन पे भी चार्ज ई होता है और ड्यूट्रॉन पे भी चार्ज ई होता है, दोनों सेम फील्ड में रखा हुआ है। तो दोनों का रेशियो अगर हम फाइंड करते हैं तो देखिए ई बाय ई दोनों कैंसिल होके हमारा 1:1 आ जाएगा, यानी कि सेम चार्ज पार्टिकल सेम फील्ड में रखा हुआ है, सेम चार्ज पार्टिकल नहीं है, दो पार्टिकल डिफरेंट है, लेकिन हम
जानते हैं कि दोनों के ऊपर चार्ज का अमाउंट सेम होता है, दोनों सेम फील्ड में रखा हुआ है तो दोनों पे फोर्स सेम हो जाएगा। जैसे आप रेशियो निकालिएगा 1:1 आ जाएगा। उसके बाद इसी में पूछ रहा है एक्सेलरेशन का रेशियो निकालने, तो चलिए हम एक्सेलरेशन के तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोटोन का एक्सेलरेशन, तो फोर्स ऑन प्रोटोन बाय मास ऑफ प्रोटोन। उसके बाद ड्यूट्रॉन का एक्सेलरेशन, फोर्स ऑन ड्यूट्रॉन मास ऑफ ड्यूट्रॉन। तो फोर्स ऑन प्रोटोन अगर आप देखेंगे तो ई बाय एम पी होगा, और फोर्स ऑन ड्यूट्रॉन देखेंगे तो ई बाय एम डी होगा। बस अब आपको यह जानना होगा प्रोटोन का मास कितना होता है, ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है। चार्ज ऑलरेडी आप जानते ही हैं, तो इसलिए ई ये भी आएगा ई जो हम लोग ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं। अब करना क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 मानना होता है, इसको इक्वेशन 2 मानना होता है, और 2 डिवाइडेड बाय 1 करना होता है। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो ए ड्यूट्रॉन बाय ए प्रोटोन, आप गौर करेंगे ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, एम ड्यूट्रॉन बाय एम प्रोटोन हो जाएगा, एम ड्यूट्रॉन बाय एम प्रोटोन। तो आप ध्यान रखिएगा ड्यूट्रॉन का मास प्रोटोन के मास का दुगना होता है, 2 टाइम्स होता है। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, एम डी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एम पी होता है, वो टू टाइम्स ऑफ एम पी होता है। तो इस जगह हम 2 टाइम्स ऑफ एम पी रखेंगे, बाय एम पी रखेंगे, एम पी हमारा कैंसिल हो जाएगा, रेशियो 2:1 आ जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन का रेशियो 2:1 आ जाएगा, फोर्स का रेशियो 1:1 एंड एक्सेलरेशन का रेशियो 2:1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्लियर होता है। देखिए इसी में एक क्वेश्चन और आ सकता था, ये मैं अपने लिस्ट में शामिल नहीं किया हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे अभी हम प्रोटोन और न्यूट्रॉन लिए, अगर यहाँ प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन होता तो क्या होता, एक प्रोटोन और एक इलेक्ट्रॉन। इसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप गौर करेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आप जानते हैं कितना होता है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन माइनस ई, कितना होता है माइनस ई, नेगेटिव नेचर का चार्ज। तो शुरू से हम बता रहे हैं कि नेगेटिव नेचर पे चार्ज पे उस पॉइंट पे जिधर फील्ड है उसके अपोजिट में फोर्स लगेगा, तो सबसे पहले आप फोर्स दिखा देंगे, इधर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन अपोजिट में लगेगा। तो चलिए फोर्स ऑन प्रोटॉन, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है तो फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो ये भी हमारा ई है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स, ये भी हमारा ई ही हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रोटॉन पे भी चार्ज ई, इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज ई, तो दोनों का रेशियो 1 और 2 को जैसे डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो एम पी बाई एम एफ पी बाई एफ ई का रेशियो आ जाएगा ई अपॉन ई, दोनों कट के हमारा 1:1 उसी तरह से आ जाएगा। लेकिन एक्सेलरेशन का रेशियो जब आप निकालेंगे तो सबसे पहले प्रोटॉन का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं फोर्स अपॉन मास होता है, एफ इक्वल टू एम ए, देयरफॉर ए इक्वल टू एफ बाय एम, एफ बाय एम एफ प्रोटॉन का ये हो गया ई, दिस इज एम पी। उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये एफ ई बाय एम ई हो जाएगा, विच इज हो जाएगा ई एंड एम ई हो जाएगा, दोनों का रेशियो दिस इज फर्स्ट दिस इज सेकेंड। जैसे रेशियो फाइंड करिएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन बाय एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों का रेशियो चाहिए। तो आप गौर करेंगे ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो क्या होगा, ये आ जाएगा हमारा एम ई बाय एम पी। जैसे डिवाइड करेंगे इन दोनों को, ये दोनों कैंसिल, एम ई ऊपर जाएगा, एम ई बाय एम पी हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना होता है, 1836 टाइम्स होता है, तो उस बेसिस पे ऊपर एम ई लिखेंगे, नीचे 1836 एम ई लिखेंगे, एम ई कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर 100 ये इतना हो जाएगा, 1:1836 हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन 1836 गुना ज़्यादा रेट से एक्सेलरेट होगा विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटोन, क्योंकि उसका मास, प्रोटोन का मास ज़्यादा है उसका एक्सेलरेशन कम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। कितना टाइम्स ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो 1836 गुना ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है
ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम हैंग्स इन एयर. आप स्क्रीन पे देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है. ए चार्ज पार्टिकल मास 2 मिलीग्राम हैंग्स इन एयर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 वोल्ट पर मीटर. जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है 4 वोल्ट पर मीटर. आपको याद होगा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक पढ़ते थे तो वहां हम बताए थे कि 2 यूनिट होता है. न्यूटन पर कूलम भी ले सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी ले सकते हैं. तो उसमें घबराना नहीं है, वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ही यूनिट है. तो क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 मिलीग्राम हैंग्स इन एयर इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 4 वोल्ट पर मीटर. डायरेक्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड जा रहा है. तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे जो अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से जा रहा है. उसके बाद आप गौर करेंगे इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे दिया है 4 वोल्ट पर मीटर, वो गिवन है. और अपवर्ड फील्ड है तो कह रहा है कि एक पार्टिकल है यहां पे जिसका चार्ज q है, जिसका मास m है. अब ये जो है हैंग्स है, हैंग्स हैंग्स मतलब ये हवा में लटका हुआ है, ठीक है. हैंग्स इन एयर इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है. इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते हैं कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होता है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, हैंग्स इन एयर का मतलब है वो इक्विलिब्रियम में है और उसका मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है. तो सबसे पहले एक तो होता है वेट विच इज mg, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, वो तो ग्रेविटी का फोर्स लगना ही लगना है. तो mg हम लोग सबसे पहले डाउनवर्ड लगा लेंगे. उसके बाद इस पे जो ये हैंग्स है, हैंग्स होने का मतलब ये है कि जरूर इस ये फील्ड उस चार्ज पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा होगा जो उसके वेट को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, जो वेट के इक्वल होगा जिससे कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए और ये हवा में लटका रह जाए. तो हवा में लटके रहने के लिए जितना वेट है उतना ही फोर्स इस फील्ड को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में रह सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो चलिए हम लोग अपवर्ड फोर्स इंडिकेट करते हैं. दिस इज इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज इक्वल टू क्यू इंटू ई. तो आप ध्यान रखेंगे ये वेट फॉर इक्विलिब्रियम, ये चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे. इक्विलिब्रियम के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो वेट के इक्वल होना चाहिए, यानी क्यू ई जो है वो एम जी के इक्वल होना चाहिए. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए चार्ज कितना है, तो क्यू कितना है, आखिर इस बॉडी पे क्यू कितना है, क्यू इक्वल टू वॉट, कितना चार्ज है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है. तो q इक्वल टू फॉर्मूला हमारा एम जी बाई ई. डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, q इक्वल टू एम जी बाई ई. वेयर मास क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले मास 2 मिलीग्राम है. क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे 2 into 2 मिलीग्राम को आप जल्दी से kg में चेंज कीजिए. 2 into 10 पे पावर -6 जी का वैल्यू 9.8 लीजिएगा, मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलिए तो 2 into 10 to the power -6 हो जाएगा, केजी में बदल गया, इंटू जी का वैल्यू 9.8 और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है 4 वोल्ट पर मीटर. जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 5 into 10 to the power -6 कूलम चार्ज, विच इज इक्वल टू 5 into 10 to the power -6 कूलम चार्ज. और चार्ज का नेचर कैसा होगा ये डिसाइड करते हैं. तो अब देखिए फील्ड अपवर्ड है, ठीक है, फील्ड अपवर्ड है जो क्वेश्चन में गिवन है, वेट नीचे है, फोर्स किधर लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर, तभी वो वेट को बैलेंस कर पाएगा. तो फोर्स ऊपर, फील्ड ऊपर, ये तभी संभव है जब यहाँ कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव नेचर का. जब ये कैसा नेचर का चार्ज हो, पॉजिटिव नेचर का, क्योंकि आपको हम बता चुके हैं अगर पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा तभी फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. चूंकि फील्ड अपवर्ड है इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, ये तभी संभव है जब चार्ज का नेचर पॉजिटिव हो. तो इस तरह से हमारा ये कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है. अब हम लोग लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, बस उसको डिस्कस करेंगे, उस पर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इस तरह से हमारा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए इस बार क्या है कि
लेकिन उससे पहले भी एक कंसेप्ट है, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। एक न्यूमेरिकल है, अगला न्यूमेरिकल है कि एक इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल है हमारा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, जिस पे कौन सा चार्ज होता है आप जानते हैं, उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट कीजिएगा, किधर प्रोजेक्ट किया गया है, पार्टिकल यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इतना इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है, पैरेलल टू द फील्ड दिया गया है, बोल रहा है कि मोमेंटली रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। देखिए, रेस्ट में कब आएगा, जब आप इसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं यू वेलोसिटी से, और कुछ समय के बाद ये पार्टिकल रेस्ट में अगर आ गया है, यहाँ पे रेस्ट में कब आएगा, जब आप फेंक रहे हैं और यू वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक है, फील्ड के पैरेलल दे रहे हैं, फील्ड के पैरेलल दे रहे हैं, इधर या इधर, अगर आप इधर फेंकेंगे, इधर प्रोजेक्ट करेंगे इस तरफ, तो वो चूंकि फोर्स इस तरफ लगेगा, फील्ड उस डायरेक्शन में है, फोर्स इस तरफ लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, तो अभी ये डिसलरेट होके मोमेंटरली रुकेगा और अगेन यहाँ से फिर वो वापस रिटर्न होने लगेगा, मोमेंटरली रुकेगा, परमानेंट रेस्ट में नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स कंटिन्यू एक्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे आके रुकेगा और फिर यहां से ये वापस रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसी में फील्ड इस तरफ से है और आप इलेक्ट्रॉन पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दे रहे, जब पैरेलल कह रहा है तो आप इधर भी दे सकते हैं, इधर भी, अगर इधर वेलोसिटी दे रहे हैं, फोर्स भी इधर लगेगा, तो उस समय फिर ये कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट होता चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो बॉडी एक्सेलरेट होता चला जाएगा, और इधर क्या है, चूंकि प्रोजेक्शन वेलोसिटी इधर दिए हैं, फोर्स अपोजिट लग रहा है, तो मोशन के अपोजिट जब फोर्स लगता है, तो बॉडी डिसलरेट होके फिर रुकेगा, कहीं ना कहीं उसको रुकना है, अंत में वो रेस्ट में आ जाएगा, सिचुएशन ऐसा होगा, ना कि ऐसा होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव चार्ज है, चूंकि इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसको प्रोजेक्ट किए हैं फील्ड के डायरेक्शन में, तो फील्ड उसके ऊपर फोर्स अपोजिट लगा दिया होगा, जिससे कि ये डिसलरेट हुआ और अंत में ये रेस्ट में आ गया। हमको पता करना है कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट में आएगा, s इक्वल टू व्हाट, कितना डिस्टेंस कवर करके ये रेस्ट में आएगा, s या x y z कुछ भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपके आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी u है, जो फाइनल वाला है, देखिए ये u इक्वल टू यू है, इसी तरह अगर फाइनल वेलोसिटी देखा जाए तो वो कितना होगा, वो तो वी है, जो कि जीरो हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटरली यहाँ रुकना है और वहीं तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, मोमेंटरली ये रेस्ट में आ गया, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है हमारा वो एक्स इक्वल टू एक्स भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो लेना है ले सकते हैं, एक्स ही फाइंड करना है, इसका वैल्यू हमको एक्स इक्वल टू फाइंड करना है। तो उससे पहले हम एक डाटा और लिखेंगे, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास होता है, फोर्स क्या है हमारा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स क्या है हमारा, तो फोर्स है ई ई बाय एम, आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई होता है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एफ के जगह क्यू ई, ई ई बाय मास एम, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी गिवन रहेगा, और फाइनली हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है कि वो कितना डिस्प्लेस होगा। तो कौन सा इक्वेशन चलेगा, तो यहाँ पे हम लोग का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन चलेगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, वी जीरो डालेंगे, u u स्क्वायर है 2, a के जगह हम लोग क्यू ई बाई एम रखेंगे, इन टू एक्स, यू स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे, और ये जो a आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, a नेगेटिव में आएगा, क्यों नेगेटिव में आएगा, इसका रीजन क्या है, क्योंकि डिसलरेट हो रहा है, तो a नेगेटिव में आएगा, तो यू स्क्वायर को इस तरफ लाएंगे इक्वल टू माइनस टू क्यू ई बाई एम इन टू एक्स हो जाएगा,
माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं एक्स का वैल्यू एम यू स्क्वायर बाई टू क्यू ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। आराम से इसमें सारा डाटा को आप पुट करेंगे, फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा, सारा डाटा मालूम है। अब सबसे पहले एम क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम लोग सारा डाटा को इसमें पुट करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, 9.1 × 10⁻³¹ kg इंटू वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल वेलोसिटी आप गौर करेंगे यहां पे, इनिशियल वेलोसिटी 2 × 10⁶, 2 × 10⁶ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2q 1.6 × 10⁻¹⁹ चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹, और कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है वो भी गिवन है 1000 N/Coulomb। जब आप सॉल्व करेंगे तो इतना मीटर सॉल्व करके ये रिजल्ट आएगा 1.14 × 10⁻²⁺ मीटर। तो इस तरह से हमारा पता चल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को फील्ड के पैरेलल फेंका गया है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करके मोमेंट रुकेगा, परमानेंट नहीं रुकेगा, मोमेंटरली रुकेगा, फिर रिटर्न हो जाएगा, तो वो जो रुकेगा तो वो इतना डिस्टेंस कवर करके मोमेंटरली रुकेगा। ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग लास्ट कंसेप्ट के तरफ बढ़ रहे हैं, ये अंतिम कंसेप्ट है और इस पे एक क्वेश्चन, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन को समझेंगे, दो प्लेट ले लेंगे, उसके बीच में ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो प्लेट्स के बीच का ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप इसे कंसीडर कीजिए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पे एक चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिए हैं जो फील्ड से परपेंडिकुलर है, ये फील्ड है, फील्ड से 90 डिग्री बनाकर प्रोजेक्ट किए हैं। और चूंकि ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, फील्ड आप देख रहे हैं अपवर्ड जा रहा है, फील्ड जो है ना हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप ये चीज को समझेंगे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड अपवर्ड है फोर्स किधर लगेगा, तो फोर्स इस पे अगर ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज है तो फोर्स ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा वो अपवर्ड लगाएगा, तो जिसके चलते ये आगे तो बढ़ेगा, आगे तो जाएगा, इसको आप एक्स एक्सिस कंसीडर कर लीजिए, आगे तो जाएगा लेकिन धीरे धीरे ये डिफ्लेक्ट होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लगना स्टार्ट होगा जैसे ये फील्ड में इंटर करेगा फोर्स लगना अपवर्ड स्टार्ट हो जाएगा अलोंग वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं, वाई की तरफ फोर्स लगने के चलते ये इसका डिफ्लेक्शन वाई एक्सिस के अलोंग भी होने लगेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगना स्टार्ट हो गया है। इनिशियली यहाँ एक्सिस में वेलोसिटी जीरो होगा, ठीक है, लेकिन वो बढ़ता चला जाएगा वाई के लॉन्ग, क्यों, क्योंकि वाई के लॉन्ग कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है, और एक्स एक्सिस में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई फील्ड नहीं है, अलोंग एक्स एक्सिस फील्ड जीरो है, तो चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स भी जीरो है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका वेलोसिटी यू कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इस तरह से कहीं भी आप ऐसे चले जाएंगे इस तरह से, तो उसका जो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है वो फिक्स रहेगा, किसी भी प्लेस पे वो यू रहेगा, निकलते निकलते तक वो यू रहेगा, लेकिन ये वाला जो वेलोसिटी है अलोंग वाई वाला यहां जीरो होगा, और धीरे धीरे वो वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे वो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज होता चला जाएगा इस तरह से, ये वाई वाला वेलोसिटी है, ठीक है, यानी वेलोसिटी अलोंग एक्स में कोई असर नहीं पड़ेगा, वो यू ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस बढ़ता जाएगा और फाइनली वो स्ट्रेट ऐसे नहीं जा पाएगा, इंटर तो किया था इस डायरेक्शन में बट उसका पाथ ऐसे कर्व हो जाएगा, और ये कर्व जो ट्रैजेक्टरी है वो पैराबोला है, उसको हम लोग प्रूफ करेंगे कुछ देर में। सपोज मान लीजिए कि अभी वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस कवर किया, हम मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ एक्स है, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो एक्स डिस्टेंस कवर किया, कौन, वो चार्ज पार्टिकल,
एक्स एक्सिस में। तो उसके लिए सबसे पहला काम है आपको टाइम फाइंड कर लेना है। अगर यहाँ टाइम जीरो है तो जब वो यहाँ से बाहर आएगा, जिस समय इस प्लेट को वो लीव करेगा, उस समय का टाइम को हम टी कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं टी टाइम पे वहाँ से निकला है। तो देखिए ये टू डायमेंशन मोशन है। आप जिस तरह से प्रोजेक्टाइल में टू डायमेंशन पढ़े होंगे, एक्स में अलग थिंक करते थे, वाई एक्सिस में अलग थिंक करते थे, सेम उसी तरह से यहाँ भी करना होगा। पहले आप एक्स एक्सिस में थिंक करेंगे, उसके मदद से टाइम फाइंड करेंगे, जैसे यहां से यहां तक का टी निकलेगा, फिर आप वाई एक्सिस में थिंक करेंगे, उसी टाइम का यूज उस वाई एक्सिस वाले इक्वेशन में करके वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग दो मिनट में ये काम करते हैं। सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस थिंक करते हैं। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी हमारा यू है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस में कोई भी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है। यहां पर हम लोग लिख देते चूंकि एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है, फोर्स जीरो, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो जीरो। उसके बाद यू एक्स हो गया, ए एक्स हो गया, उसके बाद एक्स में डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स हो गया। यहां से पार्टिकल यहां तक तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो कितना गया, एक्स गया। वाई एक्सिस में हम अभी फाइंड करेंगे, ये टाइम टी का घटना है और वाई एक्सिस में ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, व्हिच इज व्हाट, वो हम फाइंड करेंगे, जिसका वैल्यू हम निकालना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले टी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स इक्वेशन एक्स एक्सिस में इक्वेशन लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू ut प्लस आप t स्क्वायर। जब आप x में थिंक करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x लेते हैं, वेलोसिटी अलोंग x, टाइम t लेते हैं, हाफ इनटू ax इनटू t स्क्वायर लेते हैं। तो x इक्वल टू ux, u है, टाइम t है, एक्सेलरेशन x में चूंकि 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इस बेसिस पर टाइम t हमारा x अपॉन u आ गया, यानी कि जिस चार्ज पार्टिकल को यहां से इंटर कराए उसको यहां तक पहुंचने में x by u time लगेगा, where x displacement along x axis, where u velocity along x axis, x upon u कर देना है, time निकल जाएगा। उसके बाद जब आप y में y along y axis think करेंगे, तो y axis में initial velocity क्या है, तो y axis में initial velocity हमारा 0 है क्योंकि फेंके हैं just x के along, y में उसका component 0 है। acceleration y में क्या होगा, तो वो होता है force by mass, force by mass हो जाएगा y में फोर्स लीजिए, तो y चूंकि फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड y के एक्सिस के लॉन्ग है ऊपर की तरफ, तो फोर्स भी ऊपर लग रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, जिधर फील्ड होगा उधर ही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे लगाएगा। फोर्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा यहां पे qe, अब बाय मास है m, उस पार्टिकल का मास है m, एक्सेलरेशन पता है, टाइम ऑलरेडी हमारा निकला हुआ है x अपॉन u। इन तीन डाटा के मदद से आप आराम से y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y फाइंड करने के लिए अब y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो चलिए फाइनल रिजल्ट यहां पे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, तो सारा डाटा को यहां पुट किया जाए तो y आ जाएगा। तो y फाइंड करना है कि y में डिफ्लेक्शन कितना हुआ है, जब वो x में x मूव किया तो उसी दौरान y में वो कितना डिफ्लेक्ट कर गया, ये फाइंड करना है। तो y इक्वल टू यू वाई आपके पास है 0, टाइम तो कुछ भी लीजिए यह 0 ही होगा तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, चलिए नहीं लिखते हैं। एक्सेलरेशन y में हमारा qe by m ऑलरेडी आ चुका है, और टाइम t x by u का होल स्क्वायर जो हम लोग ऑलरेडी पहले फाइंड कर चुके हैं t equal to x by u, उसको जैसे पुट करेंगे तो देखिए हमारा जो रिजल्ट आ रहा है qe by 2m u square into x square आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो इक्वेशन है y equal to qe by 2m u square into x square, आपको पता होगा जब y का डिग्री 1 है और x का डिग्री 2 है, x का पावर 2 है, y के एक्सपोनेंट में 1 है, पावर 1 है, तो ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये जो कर्व पाथ आप देख रहे हैं ये पैराबोला है, यानी कि चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री बनाकर इंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसका पाथ पैराबोला हो जाता है। तो पाथ ऑफ पार्टिकल इज पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक, याद रखेंगे पाथ ऑफ पार्टिकल इज पैराबोलिक, ठीक है। और इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, इसमें x का वैल्यू डालते ही y आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन में गिवन रहता है कि x डिस्टेंस गया x एक्सिस में तो बताइए y उसमें डिफ्लेक्शन कितना हुआ, दैट मीन्स आपको y फाइंड करना होता है, x डालते ही y आ जाएगा। तो चलिए इस तरह से हमारा सारा कंसेप्ट आज के टॉपिक का क्लियर होता है। आज जो टॉपिक लिए थे उसका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, तो इस कंसेप्ट को
आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। और इस पे एक न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 2000 न्यूटन पर कूलम्ब विथ इनिशियल वेलोसिटी 10^6 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लिखा हुआ है क्लियरली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो समझ जाइए वो पैराबोला पाथ में जाएगा। तो इट आफ्टर इट हैज ट्रेवल्ड 1 सेंटीमीटर कितना डिफ्लेक्शन होगा ये बताना, मतलब वाई निकालना है। आपको दिया हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन सपोज ये क्वेश्चन के अनुसार ये आपका पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन जिसपे होगा माइनस ई चार्ज। सपोज फील्ड अभी ऊपर है, फील्ड ऊपर जा रहा है, तो आपको पता है कि अगर फील्ड ऊपर है ये इलेक्ट्रॉन है तो उस पर फोर्स नीचे लगेगा। फोर्स जब नीचे लगेगा तो वो नीचे एक तरफ ऐसे मुड़ेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मुड़ जाएगा। और आपको पता करना है ये y कितना होगा, ये y फाइंड करना है, y इक्वल टू व्हाट, y कैसे निकाला जाए। तो y निकालने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, ये फोर्स हो गया, तो चलिए डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं। इस बार डिफ्लेक्शन बस ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ से होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। कहीं भी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड है, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे लगेगा, डिफ्लेक्शन। यही प्रोटॉन होता तो फिर इसका डिफ्लेक्शन इसी के जस्ट इसी के तरह होता, पॉजिटिव चार्ज जिधर फील्ड उधर ही डिफ्लेक्ट करता। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारा डाटा लगा के फॉर्मूला हमारे पास है QE by 2m U square into x square डाटा पुट करते हैं। इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻¹⁹, चार्ज हो जाएगा, Q का वैल्यू अपने आप लिख सकते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2000 / 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³¹ kg। यू दिया हुआ है कितने, इनिशियल 10⁶ दिया हुआ है उसका होल स्क्वायर, और कह रहा है कि x में वो कितना दूर गया है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर x में गया तो y बताना है। तो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर ले 10⁻²। सॉल्व करते ही ये रिजल्ट हमारा, सॉल्व करते ही ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा 1.76 × 10⁻²⁰ मीटर, यानी ये हमारा y में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। इस तरह से आज का वीडियो यही क्लियर होता है। नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाले हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल। तो अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में चर्चा करेंगे। ओके।